वशत का नशा मारा माँ एक ब्रेक की अच्छी बात अटके और मन बाज बाज मिलने तो आ रहा माँ कायनात है कि मना इदा या इनवाइट को होस्ट थ्रू आ के आइए मना को है होस्ट वास्ते इदा लुटाइन अच्छा माँ जो के इज्जत जस्ती बिल्कुल मनी मेहनत तो और बैग न लूटी लेकिन मनी को होस्ट ही चुके ट्रेन भी इंशाल्लाह फर्दर कैसे दी में मरागिशा ना हम चुम गेंदे तो मनी गुमा हमरा दार बह तो तरह मनी बिल्कुल भी मेहनत तो बैग ही नहीं बहरहाल सरहाल ने मुगा कहीं एक मजनी इशू है जो डिस्कस पै गया था चूना हाँ इंसानियत वस्त कार करना गुआ अरकस ही कैसे फ़र्ज था कैसे हवार बिकबाए दिन कैसे फ़र्जियत बीतती इंसान सरा के एक इंसान है अब बाकी वती माशरा था बाकी इंसान ने कैसे कदर बिका आईने ख्याल ए बिका आईनी केयर बिका अगर आईना ज़रूरत ही अस्थी आईनी ज़रूरत है पूरा बिका भले अन्नी के दौरा कोविड रंद बाजे अनचे इशूज़ हैं जो अगर मैं बेचारे लाइन अब बीतगा ज़िंदगी दो का जो दीवा बाज पब्लिक का फेस करना का मुश्किल बह गए चंदा चे पेसरा स्कूल बच बह गया रंद फीस इशू हमारा पेरेंट्स जो वत मतलब जाहिर है लॉकडाउन बीता लॉकडाउन सबब हमायनी जो कार बीतगा आश होतगा चूँकि मैं पेसरा डिस्कस को बाजे मर्दों में जॉबलेस बीता और तनी वादा तक आयना जॉब न रस्ता तो आज चून अफोर्ड कुछ कनते कि आप इंचो माए फीस आना बदलते तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि सब के फीस के हवाले से काफ़ी पेरेंट्स डिस्टर्ब हैं क्योंकि स्कूल खुलने के बाद उनके पास सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो फीस कैसे पे करेंगे। देखें इसके लिए मैंने सईद गनी साहब से भी मिला जी। और आपने देखा कि ही इज़ अ वेरी एक्टिव मिनिस्टर डेली SOPs को स्कूल डेली रेगुलर जा रहे हैं पूरे सिंध में चक्कर और उनसे मेरी बड़ी लॉन्ग डिस्कशन हुई एंड ही अप्रिशिएटेड दैट कि मैंने देखें अभी हम स्कूल वालों को ये नहीं कह सकते फीस ना लें क्योंकि उन्होंने भी रेंट देने हैं KAC के बिल्स देने हैं अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है वो अगर फीस नहीं लेंगे तो उनका स्टाफ पैसे नहीं लेगा बेरोज़गारी वहाँ पे भी चली जाएगी तो मैंने उनको यह कहा कि हम स्कूल वालों से यही बात कर लेते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ फीसेस तो जो पेंडिंग कोरोना वाला टाइम है उसकी उनको इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी की 4 इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाए और सितंबर अक्टूबर से वो रेगुलर देना शुरू कर दें। पेरेंट्स का भी इसमें कसूर है कि जैसे ही कोरोना आया स्कूल बंद हुआ तो उन्होंने उसको एंड पे कर दिया कि बाकी काम हम कर लें स्कूलों के पैसे नहीं जमा कराएंगे। अब जब 6-6 मंथ्स के इकट्ठे हो चुके हैं और स्कूल वालों ने बड़ी जंग लड़ी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अपनी बिल्डिंग को सेव करने के लिए उन बच्चों की एजुकेशन सेव करने के लिए उन्होंने जैसे भी वसाइल अरेंज करके उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को अपने टीचर्स को पैसे दिए कम करके ज़्यादा करके अब वही पेरेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं उसके लिए अब मुझे बहुत कॉल्स आती हैं जिसके लिए मैं सैलानी में बशीर साहब से भी मिल के आया और वो भी सैलानी ट्रस्ट भी बड़ा स्कूल की फ़ीसों में हेल्प आउट करता है और उन्होंने मज़ीद भी कहा कि हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे ये बड़ी अच्छी बात है। इधर से सईद गनी साहब ने भी कहा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो स्कूल से भी बात कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ जितनी फीसेस मैं जमा करा सकता हूँ और जितने मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं वो डेफिनेटली फॉर श्योर करूँगा भी करता भी रहूँगा करता भी हूँ। उसके बाद मैं ख़ुद भी स्कूल में चला जाता हूँ अपने इंसान दोस्त कैश शेख के नेम से जाता हूँ मैं वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वी कांट फोर्स एनीबडी। अभी लास्ट टाइम भी मैं सैटरडे को गया 3 स्कूल्स में मैंने विज़िट किया पेरेंट्स का ये इशू था और स्कूल वाले भी बड़े हेल्पफुल हैं क्योंकि उनके घरों में भी तो ये प्रॉब्लम्स हैं ना तो उन्होंने उनके लिए कुछ इंस्टॉलमेंट्स कर दी कुछ रिड्यूस कर दिए कुछ पैसे मैंने डाल दिए तो उनके बच्चों की एजुकेशन चलती रही। लेकिन हमें एक सिस्टम इसमें बनाना चाहिए कि स्टेट बैंक को भी फ्रंट पे आना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पे फीसेस जमा करा दें या कुछ ऐसा लोन दे दें जिस पे कोई इंटरेस्ट ना हो फीसेस का लोन जो सिर्फ डायरेक्ट फीसेस के ही जमा हो। इसके लिए भी मैंने स्टेट बैंक को भी लेटर लिख रहा हूँ कि किसी तरह स्कूल की फीसेस का कोई ऐसा वे आउट निकाल दें और पहले सारे बैंक्स खुद भी करते रहे हैं कि आप फीसेस का ले लें और हम आपको इंटरेस्ट फ्री देंगे अब ये शुरू होना चाहिए। इसमें स्कूल वालों की भी हेल्प होनी चाहिए और पेरेंट्स की भी हेल्प होनी चाहिए तो मैंने काफ़ी हद तक आज भी मैं इस शो के बाद जाऊंगा डिफरेंट स्कूल्स में जो मुझे पेरेंट्स ने कहा हुआ कुछ फीसेस जमा कराऊंगा कुछ की इंस्टॉलमेंट्स कराऊंगा ताकि पेरेंट्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे उनके बच्चों की एजुकेशन में कोई हर्डल ना आए एंड पेरेंट्स आर वेरी मच स्केयर्ड और बड़े डर भी रहे थे कि जी हम स्कूल में जाएंगे फीसेस जमा ना की हो तो स्कूल वाले निकाल देंगे बट स्कूल पीपल आर ग्रेट उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने अपनी तरफ से साइकोलॉजिकली ज़रूर प्रेशर रखा कि आप फीसेस दें कम कर दें तो हर कोई एक दूसरे से कॉपरेट इस सेक्टर में ज़रूर कर रहा है दुखी लोगों के लिए ज़रूर हेल्प आउट हो रही है जी। सर कैसा भी एक और बात है कि हम मैं पर्सनली ये एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे
कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया मैं वो आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इतने ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं इंटरनेशनल सतह पर या नेशनल सतह पर, हम देखते हैं कि बहुत लाइक हर दूसरा बंदा, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, हर दूसरा बंदा इस कोशिश में लगा है एज अ सोशल एक्टिविस्ट अपने माशरे को बेहतर बनाए, लेकिन रिज़ल्ट के सूरत में आपको क्या लगता है वो जो एक पुख्ता रिज़ल्ट हमें नज़र आना चाहिए, एक पॉजिटिव जो रिज़ल्ट हमें नज़र आना चाहिए वो क्यों नहीं नज़र आता? अच्छा, आप बाहर के मुल्कों में देखें ना, NGOs हैं, NGOs तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट भी कर रही है, वो कवर हो जाता है। यहाँ NGOs की बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ही नहीं कर रही कि NGOs कर रहे हैं तो कैसे रिजल्ट 100% आ सकता है? बाहर आपको सपोर्ट 80% गवर्नमेंट से भी मिल रही है और 20% के गैप को NGOs कवर कर रहे हैं। यहाँ आप देख लें कोरोना के टाइम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पुलट कर दें वाइस वर्सा 80% जो है वो, हाँ अब राशन की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, गवर्नमेंट के पास कोई वे नहीं था कि राशन घरों में कैसे पहुँचाएं, ये सारा वे आउट NGOs के पास था। आप देख लें छिपा, सैलानी, JDC, इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि सब लोगों के पास राशन पहुँचा, गवर्नमेंट वॉज फेल देयर। तो वो जो 80% गवर्नमेंट करती है बाहर और 20% NGOs, तो यहाँ 80 की जगह 90% NGOs करते हैं, 10% गवर्नमेंट। और ये जब तक गवर्नमेंट खुद इंटरेस्ट नहीं लेगी, लोगों की डिटेल नहीं लेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 12,000 रुपीज़ दिए 6 मंथ्स में, अब आप बताएं 12,000 रुपीज़, अब आप खुद हिसाब लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो की, देखिए हमारा मुल्क भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली तो नहीं है, इतना कर्ज़ों में डूबा हुआ, एक 12,000 के लिए भी अरबों रुपये चले गए हमारे। अब गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो दिस इज़ द वे आई थिंक सो कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी तो NGOs का काम आपको और नज़र आएगा। गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी तो NGOs आप इतने डबल भी कर दें तो आप 23 से 24 करोड़ आवाम को पूरा नहीं कर सकते, उनके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है जी। अगर बाहर मुल्क के गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे आवाम को तो आवाम भी रूल्स फॉलो करेंगे। नहीं, वन शुड बी हेल्पफुल। आप देखें कि एक बंदे के अंदर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं है और ह्यूमैनिटी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को ह्यूमैनिटेरियन लेसन्स लेने चाहिए, उनको लोगों की पेन को अपने दिल में फील करना चाहिए। एक पॉलिटिशियन, एक MNA इलेक्ट होता है, वो सो कैसे सकता है अपने घर में जब उसके हल्के के लोग पानी के अंदर हैं, घरों के डूबे में हैं, घर में राशन नहीं है, उनकी जॉब्स नहीं है, उसको नींद कैसे आ सकती है? मैं तो ये हैरान हूँ, आदमी सोता कैसे है? बारिशों में 20-20 दिन ये लोग गायब रहे और आए तो 3-3 मोबाइल गनमैन्स के साथ आए, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आए, क्या ये आदमी खिदमत कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जब तक, और मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील भी की थी कि जिस बंदे ने बारिशों में हेल्प नहीं की, MNA MPA, उससे रेजिग्नेशन ले लें। आप रेजिग्नेशन लें, 5 बंदों से भी आप ले लेंगे ना, आइंदा MNA MPA काम करना सब काम करें। आप लें तो सही, आप देखें करप्ट लोगों से ले ही रहे हैं ना, उनको खौफ पैदा हो जाएगी, खौफ होगा। और देखें ना, NAB बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी वजह से करप्शन कम हुई है, इतनी नहीं हुई लेकिन ग्राफ कम हो चुका है। अब लेते हुए लोग डरते हैं, बड़े केयरफुल होते होंगे, लेकिन कम हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने बहुत दफ़ा अपील की कि आप इनसे रेजिग्नेशंस लें, कराची में जहाँ काम नहीं हुआ 4-5 MNA 4-5 MPA से लें, जिस में आपकी पार्टी को आप लीड कर रहे हैं, बिलावल साहब अपनी पार्टी को लीड कर, तो ही इससे फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ अगर चेक एंड बैलेंस शुरू से होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। जहाँ माशरे की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एजुकेशन को दी जाती है, वहाँ हमारे माशरे में एजुकेशन की अगर बात की जाए तो बहुत डीप चले जाते हैं। इतना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, इतना कुछ डिस्कस कर चुके होते हैं हम, कि आगे जाकर फिर भी रिज़ल्ट हमें ज़ीरो ही मिलता है। अगर बात करते हैं माशरे की बेहतरी के लिए तो एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और हमारे सोशल एक्टिविस्ट भी उस पर बहुत काम कर रहे हैं, इवन दो मुख्तलिफ सेशंस के थ्रू, अवेयरनेस सेशंस के थ्रू या स्कूल में जाकर काउंसलिंग के थ्रू मुख्तलिफ अंदाज़ में वो एजुकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड में अगर हम जाएं, सिलेबस पे जो काम होना चाहिए, लिटरेसी रेट पे जो काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। स्कूल्स में मैं एक दफ़ा गया था, मैंने 3-4 स्कूल्स के प्रिंसिपल से मीटिंग की, मैंने कहा कि जो आप लोगों ने सबसे जो एक नेगेटिव इम्पेक्ट डाला हुआ है एजुकेशन का, वो ये डाला हुआ है कि आपने हर ईयर एक बच्चा आता है 8 से 9 तक, आपके पास पर मंथ के हिसाब से नियर वो 10 इवेंट्स होते हैं, फेयरवेल होता है, फैशन शो आप कराते हैं, डांस पार्टीज आजकल चल रही हैं, आप एजुकेट कैसे कर सकते हैं? आप आधे लोगों को कॉम्प्लेक्स में भेज रहे हैं,
एक आपने फेयरवेल की, उसमें एक समझें कि ड्रेस कंपटीशन आ गया। मोबाइल्स के लिए आपने रखा तो मोबाइल्स में एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, जी मेरे पास इतना मेरे पास इतना। जब आप स्टूडेंट्स में ये कंपटीशन क्रिएट कराने के लिए इवेंट्स कर रहे हैं जो कि साइकोलॉजिकली होगा, इवेंट्स हर किस्म के बैन होने चाहिए स्कूल के अंदर। स्टूडेंट पढ़े, अगर स्पोर्ट्स डे है तो आप स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स बुक कराएं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एक यूनिफॉर्म में आए। स्कूल के लिए मोबाइल अगर आप लोग पहले रख लेते होते हैं अपने लॉकर्स के लिए, लेकिन कोई एक्सपेंसिव मोबाइल ना हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसा मोबाइल ना हो कि जी जो दूसरे के अंदर कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास आईफोन एक्स नहीं है, दूसरे के पास है, तो नॉर्मल फ़ोन्स के साथ आएँ और नॉर्मल रखें, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी है कि जी गाड़ी से ड्राइवर ने कॉल करना है कि जी मैं उधर खड़ा हूँ, पेरेंट्स आए हुए हैं। ये जब तक स्कूल वाले इस चीज़ को इनिशिएटिव नहीं लेंगे, और इससे भी पेरेंट्स बड़े क्राइसिस में आ जाते हैं कि जी बच्चे ज़िद करते हैं, कपड़े बना के दें, जी मेरी फ्रेंड ने ये बनाए हैं, मेरे फ्रेंड के पास ये है। और पेरेंट्स को बच्चों को आगे अच्छी एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूट में देना इस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। एजुकेशन एजुकेशन है, आज आप देख लें हम लोग हमेशा पीछे से ही जा रहे हैं। हमारा मुग़ल दौर भी यही था, आज भी यही दौर है। जब तक हम इसको सिंपल स्कूल को नहीं करेंगे स्टूडेंट्स की तरफ से, ये एजुकेशन आप कभी भी अच्छी नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल आपने एक मिसाल दी इवेंट्स की, हाँ इवेंट्स में एक कंपैरिजन आ जाता है, स्टूडेंट्स में एक एहसास कमतरी पैदा हो जाती है, और उसके बाद उनका, अगर मैं कहूँ कि उनकी तवज्जो नहीं हो पाती है स्टडीज़ पर, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते होते पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो यकसा तालीम है ही नहीं, यहाँ पे तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स हमने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। अगर आप देखें गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम निज़ाम बिल्कुल अलग, प्राइवेट सिस्टम में आए तो बिल्कुल अलग, ओ ए लेवल्स की बात बिल्कुल अलग, हमारे पास डिफरेंट बोर्ड्स हैं, तो उसकी वजह से हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है। एक ही स्टैंडर्ड के मुख्तलिफ बच्चों को आप बिठाएंगे तो वो आपस में बात तक नहीं कर पाएंगे, बहस और डिबेट्स की बात तो दूर। आप दुआ करें सिर्फ एक ही लीडर आपको अच्छा कोई मिल जाए। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं समझें कि वो आधा भी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग को दे। अगर गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएं तो स्कूल्स का स्टैंडर्ड डेफिनेटली होगा। गवर्नमेंट ही के हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के लोग एडमिट हों उसका स्टैंडर्ड हाई होगा। ये चीज़ ख़त्म करेंगे तो हर चीज़ बेहतर होगी, कि गवर्नमेंट का कोई भी सर्वेंट जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेटली नहीं पढ़ाएगा, वो गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ाएगा। तो प्राइवेट में भी तो वही टीचर्स हैं ना, आप गवर्नमेंट में भी अच्छे टीचर हायर कर लो, एजुकेशन ही है ना, आपके बर्डन भी कम होगा, आप भी रिलैक्स होंगे, आपके बच्चे भी अच्छे। लेकिन आर्मी भी तो पढ़ाती है ना अपने स्कूल्स में, एयरफोर्स भी पढ़ाती है, नेवी तो भी तो पढ़ा रही है ना, उनके बच्चे जब निकलते हैं पढ़ के तो ब्रिलियंट होते हैं, उनमें तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। आईफोन लेके जाने हैं, सैमसंग लेके जाना है, कोई चीज़ नहीं है कि जी हमने ब्रांडेड शूज़ पहन के स्कूल जाने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के जाने हैं, वो तो सिंपल है ना। लेकिन वो आज लीड करते हैं, फिर हर इवन वो रिटायर भी हों तो उनको अच्छी जॉब्स मिलती हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन बड़ी अच्छी हुई होती है। अगर गवर्नमेंट भी इसी तरह करे कि फोर्सेस की तरह ही अपने गवर्नमेंट के स्कूल्स कर दें। परसों मुझे एक स्कूल का आया थरपारकर से कि ये बिल्डिंग है हमारी, आप सिंध की किसी भी अंदरूनी सिंध चले जाएं, आप पंजाब की तरफ भी चले जाएं, किसी भी स्कूल्स अलॉट हुए हुए हैं, स्कूल्स की बिल्डिंग एक कमरा खड़ा हुआ है, आप उस एक रूम की कंडीशन देख लें, आप ना जा सकती हैं खुद, ना बिठा सकती हैं, चेयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फैंस भी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है, अब वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों को एजुकेट करने के लिए आपको एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो देना है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गडाप में भी, फिर बदीन में भी, दादू में भी एजुकेशनल सिस्टम रखा, स्कूल्स को रेनोवेट किया, उनको चेयर्स दी, उनको सोलर लाइट्स दी, उनको सोलर फैंस दिए, कि किड्स वर शॉक्ड, उनको पूरा ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म्स दिए, बैग्स दिए, ज्योमेट्री बॉक्सेस तक दिए, शूज़ उनके दिए, पूरा परफेक्ट लाइक DHA बनाया मैंने, कि जो DHA का बच्चा पढ़ता है उस स्टैंडर्ड पे लेके आए। उनके हेयर कट हमने स्टाइलिश किए, कि देवर वेरी मच शॉक्ड के उनके साथ ही क्या हो रहा है, वो हम कहाँ हैं, क्या इधर ही हैं, और कोई अमाउंट स्पेंड नहीं होती। एक टू रूम्स का स्कूल की रेनोवेशन में क्या होगा, आप कुछ छोटा सा एक प्ले एरिया बना दे, लाख दो लाख लगेगा, उससे अगर आपके 150 बच्चों की एजुकेशन अच्छी होती है, क्लीनलीनेस काउंट करती है, तो जब सफाई से बच्चा पढ़ेगा तो वो आगे वही माहौल भी तो आगे लेके जाएगा ना, वही बच्चा फिर घर को भी साफ़ रखेगा, वही बच्चा फिर गली भी साफ़ रखेगा। तो जुल्म तो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास लीडर्स नहीं हैं,
लोकल लीडर्स नहीं हैं, किसी भी तरह कोई लीडर नहीं है हमारे पास जो इस पेन को दिल में रख के इम्प्रूव करें। डोंट यू थिंक कि ये सब कुछ काउंटर हम पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कर सकते हैं, इस सूरत में कि हम सब भी पब्लिक का हिस्सा हैं, लाइक टीचर्स हो गए, लाइक डॉक्टर्स हो गए। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस किया है कि हमारे जो गवर्नमेंट असाइंड डॉक्टर्स हैं वो खुद प्राइवेट क्लिनिक चलाकर गुजारा कर रहे हैं। अब उनसे बात की जाती है तो एक्सट्रीमली सॉरी एज इफ अगर कोई मुझे देख रहा है तो ऑल आर नॉट अलाइक, लेकिन ऐसा है कि हकीकत में वो सैलरी भी ले रहे होते हैं गवर्नमेंट से, जहाँ उनकी असाइन जो है ना वो ड्यूटी है वहाँ वो बमुश्किल आधा घंटा देते हैं, उसके बाद वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि जी टीचर्स की, जो मैं समझती हूँ तमाम प्रोफेशन की माँ है टीचिंग, आपके सारे प्रोफेशंस वहीं से निकलते हैं। जब आप खुद अपने प्रोफेशन से सिंसेयर नहीं हैं और आप असाइन हैं किसी स्कूल में और आप वहाँ मौजूद ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ सैलरी हड़प रहे हैं, तो मुझे बताएं ज़रा आप खुदा को क्या जवाब देंगे? आप सिर्फ और सिर्फ हड़पने के लिए बैठे हैं कि आप कहीं और प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? मतलब वही टीचर्स हैं, अगर हम गवर्नमेंट के टीचर्स को देखते हैं तो वो बाकायदा उनकी एजुकेशन देखकर उनको हायर किया जाता है, जबकि प्राइवेट स्कूल में मैं और आप हम सब जानते हैं मैट्रिक पास भी हैं, इंटर पास भी हैं, और अब जाकर कहीं उन्होंने एक मेयार रखा है कि भाई कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन अब भी सॉरी मगर अब भी है वहाँ प्राइवेट स्कूल्स में ले रहे हैं, मैट्रिक पास को भी ले रहे हैं, एट पास को भी ले रहे हैं और इंटर पास को भी। तो इस सब में आपको क्या लगता है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक काउंटर होती है? मैं पब्लिक नहीं हूँ, मेरी तरह बहुत से लाखों लोग पब्लिक के हैं, बिल्कुल, जो लोग कर रहे हैं, जिनको दिया हुआ अल्लाह ने वो कर रहे हैं, अनमोल चल कैसे रहा है, बिल्कुल। पब्लिक इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो गवर्नमेंट की निगलिजेंस है, गवर्नमेंट इम्प्रूव करे पब्लिक और इम्प्रूव कर देगी। गवर्नमेंट फाइन्स रखे कि आपने कोई कचरा ज़मीन पे नहीं फेंकना, बिन्स में फेंकना है, और अगले दिन वो बिन साफ़ करने वाली टीम उठा के लेके जाए। गवर्नमेंट करे इम्प्लीमेंट करे कि जी आपके 18 ईयर्स तक के कम बच्चों ने ड्राइव नहीं करनी, मोटर बाइक नहीं चलानी, सिगरेट शॉप से नहीं लेने, किसी रेस्टोरेंट में आपने स्टूडेंट्स से नहीं बैठना, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस करेगी ना पब्लिक, तो कर रही है पब्लिक, यही तो कर रही है कि इस मुल्क में रह रही है, जिंदा है, सर्वाइव कर रही है, बगैर लाइट के सो जाती, बगैर पानी के ऑफिस चले जाते हैं ना, इससे बढ़कर क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? अब क्या करें, और पब्लिक से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जिन जिन के पास है, जो जो एनजीओस चल रहे हैं, क्या वो एनजीओ एक बंदा चला रहा है? उसके पीछे पब्लिक है। जेडीसी है तो क्या वो जेडीसी चला रहा है? वो उसके पीछे कितने लोग फंड करते हैं? सैलानी के पीछे कितने करते हैं? छीपा के पीछे, अंसार बरनी के पीछे, सारे बरनी के पीछे, ईदी के पीछे, सबके पीछे पब्लिक है ना। अगर पब्लिक इनको सपोर्ट ना करे, अच्छा दूसरा सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कराची में और सिंध में बहुत एनजीओज हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब। इन एनजीओज की वजह से थोड़ी तरक्की नहीं हुई कराची में सिंध में। गवर्नमेंट लीनियंट लेती है कि अच्छा ये तो काम उनके थ्रू ही हो रहा है। अब जैसे एम्बुलेंस सर्विस ले लें, 1122 है ना रेस्क्यू, वहाँ पर यहाँ पर क्यों नहीं बनी? छीपा की इतनी एम्बुलेंसेज हैं, ईदी की इतनी एम्बुलेंसेज हैं, थ्रू आउट पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस है, हेड ऑफिस इनके इधर है, मेन जो ओनर्स हैं वो इधर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने रेस्क्यू सर्विस ही नहीं बनाई, रेस्क्यू यही कर लेते हैं तो उनको क्या फ़ायदा? ये एनजीओस के साथ मिल बैठ के बात करिए गवर्नमेंट कि भाई इस सेक्टर में हम काम करते हैं, आप तो पूरी दुनिया से फंड इकट्ठा करते हो, अपनी जेब से तो करते नहीं हो, तो ठीक है ये सेक्टर्स आप देखिए, हम इन सेक्टरों में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं तो भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सारे एनजीओस इकट्ठे बैठ जाएं, हम गवर्नमेंट को कहते हैं जी गवर्नमेंट और अपोजिशन एक पेज पे क्यों नहीं, अभी आपने कहा कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है फंड नहीं है, फेडरल कहती है हमने दिया है, तो इसी तरह एनजीओस भी सारे बैठ जाएं जी, चलें गवर्नमेंट यूनाइट नहीं होती, आप यूनाइट हो जाएं, आप एरियाज डिवाइड कर लें, सिर्फ थ्री मंथ्स के लिए एरिया डिवाइड करें, उसके बाद जो करना करें, लोगों के घरों की कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, रेनोवेशन भी हो जाएगी, रोडों से पानी भी निकल जाएगा, क्योंकि ये एनजीओस हैं जिनके दिल में दर्द है, जो टेंशन की वजह से पेन की वजह से सोते नहीं हैं। मैं बशीर साहब से मिला, मैं उन बंदे को देख के हैरान हो गया, सैलानी वाले के इतना दर्द है उसके अंदर कि उसको पता चले फलां जगह, वो फ़ौरन गाड़ी पकड़ते पहुंच जाते हैं। हुनैद लखानी साहब को आप देखें, इज़ अ यंग गाय और उसने अपना सारा कुछ छोड़ के इसी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर लगा दिया। बहुत से लोग हैं जो चला रहे हैं मुल्क, तो हम इन लोगों को भी यूनाइट होकर एक सेक्टर ले लें, एक सेक्टर गवर्नमेंट के वाले करें कि चलें हम चलाते हैं थ्री मंथ। अच्छा कराची के मसाइल इतने बड़े नहीं हैं, मैंने आपको कहा कि इन केस आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कराची के सारे मसले हल हो, गंद ना हो,
भाई आप खुद एक एक गली वालों को इंचार्ज बना दें जाके कि हम तुम्हारा खर्चा देंगे, काम खुद करते रहो, एक पिकअप में खुद ही उठा के फेंकवा दिया करो, लेबर के पैसे ले लिया करो। हर MNA MPA ऐसे ही कर देना तो कराची वैसे साफ हो जाएगा। आप जो कहते हैं हमारे पास मशीनरी नहीं है, मैन पावर नहीं है, लेकिन पैसा आपका यूज़ हो रहा है दिस। और कराची इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने एक एक रोड देखी, एक एक जगह देखी है कि अगर सोशल वर्कर ही आ जाए ना फाइनेंस के साथ, तो कराची को 3 से 4 महीने में साफ कर देगा और कोई इतना इशू नहीं है। आप देखें, आप जहाँ रहती होंगी उस रोड में कचरा भी होगा, आप जाती हैं इस रोड को ले लें, आप अपने ऑफिस देख लें कि पानी आया था तो क्या प्रॉब्लम थी। तो आप इधर ही अगर मैनेज कर लें तो ये रोड तो साफ हो जाएगी ना। हर बंदा एक एक रोड का इंचार्ज बन जाए और सफाई करवा ले। अनिमा राव के ब्रेक के तहा पदर अंदा उड़ा पड़ते हैं।